कांग्रेस युवा नेते व आमदार जिसान सिद्दीकी सध्या माझ्यासोबत आहेत. काँग्रेसने यांना युवा प्रमुख पदावरून हटवलं आहे, स्वतः ते आमच्याशी बोलण्यासाठी आहेत. तर मला सांगा जिसान भाई की तुम्हाला काँग्रेसने जे तुमच्याकडे युवा प्रमुख पद होतं हटवलं आहे, पूर्व सूचना होती का, याची काय कल्पना होती? देखिए मुझे इसकी कोई कल्पना नहीं थी. जैसे आप अचंभे में थे वैसे मैं भी कल अचंभे में था. आप देख ही रहे कि हम एयरपोर्ट पे सुबह 4 बजे मैं खुद अजमेर शरीफ से आ रहा हूँ, तो कल मुझे इसकी जानकारी मिली. मैं खुद इसके बारे में मुझे कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं मिला, ना कोई मेल मिला, ना कोई मैसेज मिला. तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर 12 साल मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए है, युवा कांग्रेस को, तो अगर मुझे हटाना ही था तो मुझे अगर कहते, मुझे डायरेक्टली अगर कॉन्टैक्ट करते तो बेहतर होता. बहरहाल उन्होंने फैसला लिया है और मुझे खुद सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पता चला है. तो मैं अभी आया हूँ, अपने करीबी लोगों से मुलाकात करूँगा और कल या परसों इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर लूँगा कि मेरे पे क्या बीती है और मेरे पे क्या क्या अन्याय हुआ है, जो जो चीज़ें हुई है वो सब मैं स्पष्टता से 1 या 2 दिन में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा. आप युवा का प्रमुख पद आपके पास था, आपने बड़ी शिद्दत से ये जिम्मेदारी निभाई थी और एक लंबा सफ़र रहा है, अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या कारण हो सकता है जिसे आपको हटाया गया? देखिए मुझे खुद नहीं पता. मुझे ये जो पद मिला है ये कोई नॉमिनेटेड पोस्ट नहीं है. मुझे तकरीबन 90,000 लोगों ने मेरे लिए वोट डाला था मुंबई में, तो वो 90,000 लोगों के लिए मैं उनसे आंसरेबल हूँ और मुझे उनको जवाब देना है, क्योंकि 90,000 वोट कभी हिस्ट्री ऑफ मुंबई यूथ कांग्रेस में कभी किसी को मिला नहीं था. तो मैं भी शौक में हूँ और वो 90,000 लोग भी शौक में और अनेक लोग शौक में हैं. इसीलिए मैं अभी आया हूँ मुंबई, आपके सामने ही मुंबई में मैंने एंट्री की है, तो मैं लोगों से बात करूँगा और जो जो हमारे साथ हुआ है, जो जो अन्याय हुआ है, जो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जो जो हुई है, उस सब के बारे में मैं बात ज़रूर करूँगा 1 या 2 दिन में. क्या ऐसा लग रहा है कि आपके पिता श्री बाबा सिद्दीकी जी, उन्होंने राष्ट्रवादी में ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस को राम राम किया, तो इसकी वजह से तो नहीं तो आपकी अकाल पट्टी की? क्या ये पहली बार है? बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं जिसमें परिवार में अलग अलग लोग अलग अलग पार्टी से जुड़े होते हैं, तो ये सब के उदाहरण मैं आपको ज़रूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूंगा. ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि पिताजी या कोई उसका बेटा या कोई भाई बहन कोई अलग पार्टी से है. मैंने तो कभी कांग्रेस पार्टी की छोड़ने की बात नहीं की. कांग्रेस की जो CLP मीटिंग्स है सब में मैंने उपस्थिति भी दी और मुझे कोई ऐसा इंटीमेशन भी नहीं दिया. तो सडनली ऐसा करना था तो ये दिखाता है कि काफ़ी इमेच्योर डिसीजन था और मुझसे कोई बातचीत भी नहीं हुई, मुझे कोई ऑफिशियल इंटीमेशन भी नहीं दिया. मुझे पता चला मीडिया द्वारा कि ये हुआ है, तो ठीक है, अभी उनको करना था तो उनका फैसला है. मेरे साथ जो हुआ है और जो जो हुआ है अभी जिस पे बीती है वही जानना है. तो मेरा अभी मेरे लोग भी कह रहे हैं कि आप पे इतनी सब बीती है तो आप लोगों को बताइए. तो इसीलिए मैं मुंबई आया हूँ, मैं अजमेर शरीफ में था, अभी आया हूँ, लोगों से बात करूँगा और एक एक वाक्य जो मेरे साथ हुआ है सब कुछ यूथ कांग्रेस के बारे में भी बताऊँगा, कांग्रेस पार्टी के भी बारे में बताऊँगा, जल्द ही बताऊँगा. बाबा सिद्दीकी जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद ऐसा तो कांग्रेस पार्टी को नहीं लगने लगा कि आपसे नुकसान है या आप भी जाने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने आपकी अकाल पट्टी? अगर उन्हें ऐसा लगा तो मैं एक युवा आमदार होने के नाते, मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस का इलेक्टेड अध्यक्ष होने के नाते एक बार मेरे से बात कर लेते. वही होता है ना, अगर आपके मन में अगर आश्चर्य है, एक डाउट है, तो आप मेरे से बात कर सकते थे, उसके बारे में मुझसे पूछ सकते थे. जो जो लीडर्स ने मेरे से फ़ोन पर बात की उन्होंने बोला नहीं, अच्छा है कि आपने पार्टी के बारे में कुछ कहा नहीं है, पार्टी छोड़ी नहीं हो. और लोगों ने काफ़ी तारीफ भी की जब मैं कांग्रेस पार्टी की मीटिंग को अटेंड किया. तो ये दोगलापन क्या है? अब एक तरफ पे आप बोलते हो कि नहीं 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 ये जिशान हमारे साथ है और जो मैं हूँ कांग्रेस पार्टी के, तो फिर ये जो डिसीजन है वो क्यों लिया गया है? और अगर मुझे लगता है पहले एक्सप्लेनेशन उनको देनी चाहिए और उसके बाद मेरे साथ जो हुआ है अभी तो मैं ज़रूर बताऊँगा और पूरी सच्चाई के साथ बेझिझक होकर बताऊँगा. आपको हटाने के बाद कुछ बड़े नेताओं से या आला कमान हाई कमान से किसी से बात हुई इस बारे में? मुझे तो किसी का फ़ोन नहीं आया, ये तो और दुर्भाग्यपूर्ण है. तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा और अगर आला कमान को नहीं पता है तो कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस और सीनियर कांग्रेस में वो कम्युनिकेशन गैप है. मगर मुझे लगता है कि मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा सबके पास ये मैसेज तो पहुँच ही गया है. अभी तक मुझे सीनियर लीडरशिप से एक इंसान का भी फ़ोन नहीं आया, तो
ठीक है, कभी कभी होता है जब इंसान पे बीतरी होती है तो लोग दूरी ही मेंटेन करते हैं। मैंने तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ कहा नहीं और कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, पर जो हो रहा है अभी तो सच्चाई बोलने का समय है और सच्चाई बोलना मेरी कर्तव्य है और मैं जरूर बताऊंगा। अंतिम सवाल है, आगे की भूमिका क्या रहेगी? अभी की भूमिका मैं, जैसे मैंने कहा, अपने करीबी लोगों से पहले बात करूंगा और जो जो चीजें मेरे पे बीती है वो एक एक वाक्य सबको बताऊंगा और फिर आगे की रणनीति जो है, आगे का जो प्लान है वो मैं तय करूंगा। धन्यवाद आमच्या से बोलने बदल। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन गायकवाड़ से रमेश शर्मा, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।